ब्रो जस्ट एंडिंग 12 एचटीएमएल सीएसएस जेएस हो गई है, अब सीएसएस फ्रेमवर्क और नोड जेएस करने का सोच रहा हूँ, योर ओपिनियन। देखो वैसे तो फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, बट द थिंग इज कि आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर फ्रंट एंड फर्स्ट एंड देन बैक एंड। मोस्टली लोगों में इंटरेस्ट होता है कि हाँ हमें बैक एंड में इंटरेस्ट है, बट तुम्हें देखो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो फुल स्टैक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है कर ही लोगे मतलब तुम, विच इज गुड। तो अगर एक चीज बैठ के रहोगे कि सिर्फ बैक एंड कर लेता हूँ सिर्फ फ्रंट एंड कर लेता हूँ, थोड़ा पीछे रह जाओगे। आज आज कल जो रेस चल रही है ना एआई के साथ अपनी, उसमें तो तुम्हें मैं रिकमेंड करूंगा पहले फ्रंट एंड कर लो, उसके बाद थोड़ा प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप्स ये सब ढूंढ लेना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और उसके बाद बैक एंड स्टार्ट कर देना, ऐसा कर लो। तो क्योंकि फ्रंट एंड करने से ना तुम्हें मिल जाती है इंटर्नशिप्स इजीली, बैक एंड वालों को थोड़ी मुश्किल मिलती है, उनको एक्सपीरियंस मांगते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होती है मतलब जॉब्स वगैरह ढूंढने में। तो पहले फ्रंट एंड अच्छे से हुआ होगा, उसके बाद बैक एंड कर लोगे, एंड देन उसके बाद फिर तुम और चीज़ों में एक्सप्लोर करोगे, मतलब बैक एंड में और चीज़ें भी होती हैं फिर ये रेडिस काफका वगैरह सब, तो वो एक्सप्लोर करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे फॉलो करोगे तो इजीली घुस पाओगे कंपनीज में, क्योंकि तुम्हें पहले फ्रंट एंड आता होगा तो फ्रंट एंड की इजीली जॉब मिल जाएगी, समझ लो। बैक एंड में थोड़ा एक्सपीरियंस मांगते हैं, दैट्स व्हाई। एंड सीएसएस फ्रेमवर्क टेलविंड कर लो आजकल वे ट्रेंड में, और एक कोई भी कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी जैसे शैड सीएन आजकल चल रही है वो कर लो, तो थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद तो यार एक्सपीरियंस हो तो फिर एक से दूसरे पे जंप कर जाता है एज पर कंपनीज रिक्वायरमेंट, ऐसा होता है। ठीक है एंड ऑल सेट।